welcome back to my channel. Once again, this is me, Manya Sharma. और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक, यू नो, जिसका यू नो रिव्यूज बहुत सारे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब मैंने जब ये इंस्टाग्राम पे ना अपने एक रील डाला था ऑफ अनबॉक्सिंग दिस न्यू पैकेज, एंड उसके बाद मैंने उसको इनटेक करते हुए यू नो जब वीडियोज डाले थे, तो काफी लोगों के डीएम आना स्टार्ट हो गया कि मैम इज दिस हेल्पफुल और आपको कितना असर हुआ है इसका, अलॉन्ग विद दैट इसको कैसे कंज्यूम करना है. बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे. तो लेट मी टेल यू कि मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लिक्स एप्पल साइडर विनेगर. एंड ट्रस्ट मी, मतलब आई रियली फाउंड द टेस्ट इज रियली वेरी नाइस. मतलब इसका जो टेस्ट है वो एकदम वो एप्पल जूस की तरह लगता है. वो लगता नहीं है कि वो एप्पल साइडर विनेगर है, बिकॉज आई हैव बीन टेस्टिंग दैट एप्पल साइडर विनेगर बहुत पहले. मतलब मैं जब 2-3 साल पहले नॉर्मली वेट लॉस पे आती थी, तो मैं नॉर्मल एप्पल साइडर विनेगर जो आता था हार्डकोर विनेगर, वो लेती थी ल्यूक वार्म वाटर पे सुबह एम्प्टी स्टमक और यू नो बिफोर माई मील एट नाइट, तो मैं वो लेती थी. बट उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्श होती है. आई गेस जिसने भी एप्पल साइडर विनेगर कभी भी पिया है लाइफ में, तो उनको पता होगा उसकी स्मेल कैसी होती है. बट दैट वॉज रियली हेल्पफुल. वो भी बहुत हेल्पफुल कर, यू नो दैट हेल्प मी अ लॉट. बिकॉज मैं उसको कैसे पीती थी, मैं उसको भिगो के ना एक ग्लास में चिया सीड्स डाल के रात में रख देती थी. सुबह तक वो सारा चिया सीड सॉलन हो जाता था, एंड देन उसी में मैं ल्यूक वार्म वाटर डालती थी और एक स्पून पूरा लेती थी मैं एप्पल साइडर विनेगर का, एंड आई पोर इन टू दैट ग्लास, एंड मैं वो एम्प्टी स्टमक लेती थी. काफी टाइम से यू नो नए नए ब्रांड्स नए नए चीजें लेके आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ इस बार ये एप्पल साइडर विनेगर, यू नो विच इज ईजी टू कंज्यूम, ट्रैवल फ्रेंडली है यार. आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बैग में डाल लेना है इजिली. क्योंकि अगर अब देखा जाए कि एप्पल साइडर विनेगर की बॉटल अगर आप लेके जाते हो, फिर आपको चिया सीड अलग से कैरी करनी पड़ती थी मुझे, फिर उसके बाद वो बॉटल कभी कभार लीक कर जाती थी, तो बहुत इश्यू होता था वाइल्ड ट्रैवलिंग. तो मैंने भी सोचा कि यार मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ यार, बिकॉज काफी यू नो वीडियो इतने ट्रेंड थे ना, लोग नए नए वीडियोज लेकर आ रहे थे. मुझे लगा कि सिर्फ यू नो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कि हाँ लोग प्रमोशन कर रहे हैं कि बस वीडियोज डालते जा रहे हैं. बट मैंने इसको लेना स्टार्ट किया है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, एंड ट्रस्ट मी दिस इज यूजफुल. मतलब बहुत ईजी, बहुत सिंपल है टू ड्रिंक. अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इंस्टाग्राम पे, आप देखोगे कि मेरी ग्लास में वाटर लिया है नॉर्मल वाटर और उसमें सिर्फ डाला है, सो यू सी द वीडियो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. तो अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ कि मैं कैसे कंज्यूम कर रही हूँ. देखो बहुत लोगों का अपना अपना तरीका है किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने का. मैं अपने वे से सोचती हूँ कि मेरी बॉडी की नीड क्या है, बिकॉज जरूरी नहीं कि कोई अपने ब्रेकफास्ट के पहले ले रहा है, कोई अपने लंच के पहले ले रहा है, तो आप भी वैसे ही लो. आपको अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से कि आपका डाइट प्लान क्या है, आपका यू नो डेली रूटीन क्या है. मेरा डेली रूटीन इज लाइक कि मैं नॉर्मली यू नो मेरी शिफ्ट जो है ऑफिस शिफ्ट है वो 5:30 की है सुबह में की, तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:30 बजे. मैं पहले नींबू शहद लेती हूँ, जो मैं पहले भी ले रही थी वो मैं अभी भी ले रही हूँ, उसको मैंने ड्रॉप नहीं किया. मैं कोई भी चीज एड ऑन करूँ या यू नो आई शुड रिमूव दैट थिंग, बट नींबू शहद मैं बंद नहीं करती हूँ और मैं ना ही करूंगी. तो 5:30 बजे उठ के बिफोर लॉगिंग इन, यू नो वाइल लॉगिंग इन, एंड देन आई लीव फॉर माई किचन, वहां पे जाके मैं अपना गर्म पानी शहद बनाती हूँ. उसके बाद 1 घंटे के बाद, यू नो आफ्टर 1 आवर, जस्ट अ मिनट, सो आफ्टर 1 आवर मेरा रूटीन रहता है कि मैं ये एक सिप टैबलेट सुबह ले लेती हूँ. बिकॉज अभी तक पहले मैं क्या कर रही थी, बिकॉज मेरा ऑफिस का शिफ्ट जो पहले था वो डिफरेंट टाइमिंग पे था, तो मैं 9 बजे का टाइमिंग था, तो मैं आराम से उठती थी, पहले ये करती थी और वर्कआउट करने जा रही थी. बट अभी मैं वर्कआउट करने नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए मैं इसको सुबह भी कंज्यूम कर लेती थी. और जो सेकेंड वे है, आप इसको कंज्यूम कैसे कर सकते हो, यू कैन कंज्यूम इट ईदर बिफोर योर मील्स, दैट इज एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट. मैं अभी भी क्या करती हूँ, मैं इसको मॉर्निंग में लेती हूँ और एक टैबलेट में लेती हूँ जब मैं वर्कआउट करके आती हूँ. बिकॉज वर्कआउट करके आने के बाद मुझे तो बहुत गंदी वाली क्रेविंग होती है कि मुझे बस कुछ चाहिए ठंडा ठंडा. इधर आई जंप अप टू दी कोल्ड ड्रिंक जूसेस, बिकॉज फिर मुझे गर्ल्फ से बहुत ज्यादा डांट पड़ती कि यू नॉट सपोज टू गो अहेड एंड कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे वर्कआउट का.
ना ही तुम्हारी रनिंग तुम्हें हेल्प करेगी, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। तो मैंने इसको फिर ये ट्राई किया और उन्होंने मुझे ये बोला कि यार ये मंगा के देख लो, इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट। तो मैंने ये मंगाया, तो मैं इसको पहले स्टार्टिंग में शाम में पी रही थी अपने वर्कआउट करने के बाद, बट अभी मैं वर्कआउट पे नहीं जा पा रही थी बिकॉज मैंने बताया था मेरे घर पे काफी ज्यादा काम चल रहा है एंड द लेबर्स आर हियर स्टिल। तो मैं इसको मॉर्निंग में ही कंज्यूम कर लेती हूँ, और जब मैं वर्कआउट कभी कदार जब मैं शाम को चली भी जाती हूँ तो मैं ये तब भी कंज्यूम कर लेती हूँ एक टैबलेट। बट आई वुड सजेस्ट कि आप दिन में एक ही टैबलेट लो, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर इज अगेन यू नो हर चीज के अपने ही यू नो इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स रहते ही रहते हैं। तो आप इसको एक ही टैबलेट लो, अब तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो इट्स बेटर वी शुड गो फॉर वन टैबलेट ओनली ऑन वन सिंगल डे। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है, आप डायरेक्टली माईप्लेक्स की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो, बिकॉज अभी अगर आप वहां से परचेज करोगे यू कैन सी दे आर गिविंग यू सम फ्रीबीज, उनके पास ऑफर चल रहे हैं। मैंने अमेजोन से लिया था बिकॉज मुझे चाहिए थी क्विक डिलीवरी और मैं एज अ प्राइम मेंबर आई कुड गेट इट यू नो इन नेक्स्ट डे, तो मुझे ये क्विक डिलीवरी के चक्कर में मैंने अमेजोन से मंगाया था। बट अभी मेरे पास ऑलरेडी 3 है, मैंने एक कंज्यूम कर ली हुई है ये, और ये नया पैक है सो इसलिए अभी इसके ऑलरेडी बचे हुए हैं। तो अब मैं जो ऑर्डर करूंगा वो मेरे माईप्लेक्स की यू नो अमेजोन से ना करके मैं डायरेक्टली वेबसाइट से जाके परचेज करूंगी बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो अहेड विद द फ्रीबीज। और इसके बाद आप ऑलरेडी एक और ट्राई कर सकते हो जो मैंने उनका पढ़ा हुआ है, दैट इज फॉर गार्सेनिया। गार्सेनिया इज एक्चुअल वेट लॉस का बेसिक थिंग। मैं गार्सेनिया इसलिए मुझे अच्छा लगा बिकॉज कपीवा जो मैं पी रही थी बहुत पहले, तो कपीवा के साथ साथ यू नो देयर वाज अ गार्सेनिया इनटू इट, तो गार्सेनिया गिलोय एंड उसको क्या बोलते हैं मुझे एक वर्ड नहीं आ रहा हिंदी में, हम कुछ उसको बोलते हैं, मेरी दादी यूज टू टेल मी, सो वो चीज, तो वो इट इज सिमिलर सेम थिंग। सो हरी अप, चेक इट आउट यार, सब लोग लो बिकॉज मैंने जो वेट लॉस, हाँ और वेट लॉस जर्नी यार मेरा कोई बहुत तगड़ा वेट लॉस नहीं हुआ, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ आप लोगों के सामने अभी भी, बट येस आई हैव लॉस्ट, मेरा जो है मैं इंचज में ही लूज करती हूँ। अगर आपने मेरा चिन देखा होगा, मेरे चिन पे अपना वेट लॉस देखा है कि हाँ फेस फैट मेरा थोड़ा सा कम हुआ है बिकॉज मैंने डाइट पे भी इतना कंट्रोल किया हुआ है। अगर आप कोई भी चीज ले लो यार, दुनिया की कोई भी अच्छे से अच्छी और महंगी से महंगी चीज ले लो, अगर आपका डाइट कंट्रोल नहीं है और आपका वर्कआउट नहीं है वो कुछ भी असर नहीं करेगा। सो फ्लिक्स के साथ साथ आई वुड सजेस्ट यू प्लीज फोकस ऑन योर डाइट, अवॉइड ऑल दीज यू नो जंक फूड्स। मैंने भी थोड़े टाइम से कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है मोमोज और अपने पिज्जा वगैरह को, तो कोई कुछ कर नहीं सकता बिकॉज आई जस्ट हैव द टाइम लिमिट फॉर यू नो टिल जनवरी। मैंने खुद को टाइम दिया कि मैं जनवरी तक ही मेरे पास टाइम है न्यू ईयर, बिकॉज मुझे जाना है अपने प्लानिंग की तरफ, सो उससे पहले मुझे अच्छा खासा वेट स्ट्रेट करना है। सो अगर आप लोग भी ऐसे हो जिनको यू नो जिनकी कंडीशन मेरे जैसी है, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू आप लोग जरूर ट्राई करो एंड डू नॉट स्किप। द बेस्ट पार्ट इज कि डू नॉट स्किप, किसी भी चीज को आप स्टार्ट करो तो एटलीस्ट फॉर 3 to 6 months, बिकॉज बेयर मिनिमम इससे नीचे आपको किसी भी चीज का इफेक्ट दिखने ही नहीं वाले हैं। तो बॉडी को भी टाइम लगता है यू नो टू अडाप्ट दोस चेंजेस। एकदम से हम इतना जंकी जंकी खा के एकदम से बॉडी को अगर हेल्दी मिलने लगेगा ना, तो आपका लीवर भी पूछेगा यार ये एकदम से क्या हुआ लीवर को, क्योंकि मैंने ये चीज देखी हुई है, मेरे साथ ये हुआ है। जब भी मैंने ये नींबू पानी एकदम हेल्दी डाइट शुरू करी ना, तो यू विल गेट दोस कॉन्स्टिपेशन का इश्यू खत्म हो जाता है। एंड वन बेस्ट थिंग इज दैट दिस कम्स विद बायोटिन एंड B6 12, सो B6 12 इज द मेजर बेस्ट थिंग विच यू आर गेटिंग इन दिस फ्लेक्स एप्पल साइडर विनेगर। सो आई होप इतना इन्फो आप लोगों के लिए काफी था, और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना DM दिया हुआ इंस्टाग्राम प्रोफाइल दी हुई है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन DM मी वेन एवर यू वॉन्ट, आई विल बी अवेलेबल। अगर मैं सेम डे पर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी तो मैं नेक्स्ट डे जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। सो आई होप यू रियली लाइक दिस। और अभी मेरे पास 2 न्यू चीज और है जो मैंने ट्राई करी है, मैं उसका भी रिव्यू आप लोगों के पास जरूर लेकर आऊंगी। सो चिल्ड्रेन बाय, टेक केयर एवरीवन एंड स्टे हेल्दी।